हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ कृष्ण मोहन एंड यू आर वाचिंग के एम टॉक्स। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं करेंट अफेयर्स के लिए, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए होने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं आज की वीडियो। हम लोग 10 क्वेश्चन केवल करेंगे और ये सीरीज़ भी पार्ट वाइज आएगी। जनवरी के लिए हम लोग अगला पार्ट भी लेके आएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। और ठीक है, तो ये कौन सा रिपब्लिक डे था? जो ये रिपब्लिक डे था वो 71st रिपब्लिक डे था, और यहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे वो थे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो। ओके, तो एक बात और बता दें, ब्राज़ील और इंडिया किस किस ग्रुप में आते हैं? दोनों ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। ओके, और दोनों ब्रिक्स के साथ साथ G20 कंट्रीज़ के भी मेंबर हैं। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका जैर बोल्सोनारो, उनकी इमेज भी आपको वहाँ पे दिख रही होगी। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? केरला वुमेन फॉर्म्ड अ 620 किलोमीटर ह्यूमन वॉल फॉर जेंडर इक्वलिटी फ्रॉम कसौड़गौ टू। आपने सबरीमाला मंदिर का नाम सुना होगा, तो वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी को लेके बात चल रही थी कि वहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनको मंदिर में अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो उसी के प्रोटेस्ट में उन्होंने 620 किलोमीटर की ह्यूमन वॉल बनाई थी, जो कि कसौड़गढ़ से कहाँ तक था? थिरुवनंतपुरम। ठीक है, कसौड़गौ टू थिरुवनंतपुरम, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से अलग डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। द सबरीमाला टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। जो सबरीमाला मंदिर है वो किस नदी के तट के किनारे स्थापित है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पाम्बा रिवर। ओके, पाम्बा रिवर के तट के स्थापित है सबरीमाला मंदिर। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4, वॉट वॉज द नेम ऑफ साइक्लोन विच हैज़ मेड लैंडफॉर नियर पुरी इन ओडिशा। ये क्वेश्चन सबको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, एक्चुअली पिछले साल का क्वेश्चन है। तो इस साइक्लोन का नाम क्या है? इस साइक्लोन का नाम है फैनी। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, रिसेंटली द रिपब्लिक ऑफ टोगो एंड इंडिया हैव कम टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अबाउट हाउ मेनी मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन डेपोंग एंड मैंगो ऑफ टोगो। यहाँ पे जो डेपोंग और मैंगो है, मैंगो खाने वाला नहीं है, दोनों एक रीजन है, ठीक है, ऑफ टोगो के। तो कितने मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की बात चल रही है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट दोनों लोग कंबाइन कर रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ टोगो और इंडिया। तो यहाँ पे एक एक्शन इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, टोगो कहाँ पे, मतलब किस कहाँ पे पड़ता है? टोगो एक कंट्री है जो कि वेस्ट अफ्रीका में पड़ती है। टोगो इज़ अ कंट्री विच इज लाइज इन द वेस्ट अफ्रीका। और अगर इसमें कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल लोम है, LOME लोम। देखिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि वर्ल्ड वॉर जब तक था, जब तक वर्ल्ड वॉर वन हुआ था तब तक ये जर्मन कॉलोनी थी, ठीक है, जर्मन कॉलोनी थी। और वर्ल्ड वॉर वन कब तक हुआ था? 1914 से लेकर 1918। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन से कम 2-3 क्वेश्चन तो आराम से बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 300 मेगावाट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। पाकिस्तान हैज़ बीन रिटेन्ड ऑन विच लिस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे ऑप्शन एक ब्लू लिस्ट दी होगी, ब्लैक लिस्ट, ब्लू लिस्ट, ग्रे लिस्ट या नन ऑफ द अबव। ओके, तो देखिए, ब्लू लिस्ट तो कोई लिस्ट होती नहीं है, ऑप्शन मिल नहीं रहा था तो हमें चलो कोई और रंग दे देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ग्रे लिस्ट। ओके, 2018 में इसको फिर से रिटर्न किया गया था, ग्रे लिस्ट। अब हम जान लें थोड़ा ब्लैक लिस्ट क्या होती है और ग्रे लिस्ट क्या होता है। ओके, देखिए, ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज आती है जो सपोर्ट करती हैं टेरर फंडिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को, ठीक है। पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है टेरर फंडिंग, आतंकवादियों को पैसा प्रोवाइड करता है, उनको सपोर्ट करता है। अभी फ़िलहाल में आपको न्यूज़ पता चल गई होगी कि प्रेशर में आके वो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में ना जाए, इसलिए उन्होंने अपने 88 सैंक्शंस, 88 जो टेरर बैंक्स अकाउंट थे उनको सीज कर दिया है। ये तो बात होगी ब्लैक लिस्ट की। अब हम बात करेंगे ग्रे लिस्ट क्या होती है। जैसे फुटबॉल में येलो कार्ड होता है ना, येलो कार्ड एक वार्निंग होती है, अगर आपको रेड कार्ड मिल गया तो आप मैच से बाहर। तो उसी तरह अगर ग्रे लिस्ट में क्या होता है, पहले वार्निंग मिलती है कि आप लोग टेरर फंडिंग मत दीजिए,
अगर कोई देश तब भी नहीं मानता तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान को साल भर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है इसी सब कारणों के। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। इन विच ईयर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वॉज फॉर्म, किस ईयर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फॉर्म्ड हुई थी। ऑप्शंस हैं 1997, 1950, 1959 और 1989। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो 1989 इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या। देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है और इसमें टोटल 39 मेंबर्स भी हैं, 39 मेंबर्स हैं और ये क्या है, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। तो इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम ये होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ग्लोब में फाइनेंशियल सिचुएशन को लुक आफ्टर करता है और जितने भी टेरर फंडिंग होती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है उस पर भी नज़र रखता है और उसके हिसाब से जो देश टेरर फंडिंग को सपोर्ट करता है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करता है उसको वो लोग एक लिस्ट, उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, तो उसमें वो लोग डाल देते हैं उस कंट्री को, वहाँ पे डाल देते हैं, उनका नाम आ जाता है उस कंट्री। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। नेम द ऐप लॉन्च बाय HDFC बैंक रिसेंटली टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर HDFC ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसकी वजह से इंडिया में डिजिटल पेमेंट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, तो उस ऐप का नाम क्या है। तो उस ऐप का नाम है माई ऐप्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। थोड़ा हम HDFC के बारे में जान लेते हैं। HDFC का सबसे पहले तो फुल फॉर्म काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होता, तो HDFC का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और ये अगस्त 1994 को फॉर्म हुआ था। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये सबको मालूम होना चाहिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO 8 फंडर्स ऑफ SCO लिस्ट, इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। बच्चे को मालूम होता है ये। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, इंडिया में है और इंडिया में किस जगह पे है, गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और हैं। किस नदी किनारे बना है, कौन सी नदी बगल में बह रही है, नर्मदा नदी बह रही है और इसकी टोटल हाइट कितनी है, इसकी टोटल हाइट है 182 मीटर्स की और ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। ठीक है, जहाँ तक हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करेंगे तो उसकी हाइट केवल 82 मीटर्स की है। ओके, आज का सीरीज़ के आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूली मर्ज्ड यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। जो अभी दादरा नगर हवेली को और दमन दीव को मर्ज करके एक नई यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, तो उसका कैपिटल क्या मतलब सेलेक्ट किया गया है। ऑप्शन है सिलवासा, ऑप्शन बी नगर हवेली, ऑप्शन सी दमन एंड ऑप्शन डी दादरा। तो यहाँ पे टाउन दमन को कैपिटल सेलेक्ट किया गया है जो न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये थे आज के टॉप 10 करेंट अफेयर्स फॉर RRB NTPC। होप यू आर लाइकिंग अवर वीडियोज़। ठीक है, अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हम लोग ऐसी वीडियो और लेके आएंगे। पॉलिटी का सेक्शन तो अलग चल ही रहा है, इसके साथ साथ सब कुछ कवर करेंगे, जनरल साइंस हो गया आपका और पॉलिटिक्स चल ही रहा है, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सब कुछ मिलेगा आपको, पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KMT टॉक्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। Part 3 कल या परसों में आ जाएगा पॉलिटी का, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।